देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। चलिए रुक करते हैं हमारी पहली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उठापटक आज देखने को मिला है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और उनके साथ ही 2 अन्य विधायक भी अखिलेश की साइकिल पर सवार हो गए हैं। भाजपा एमएलए ब्रजेश प्रजापति और विधायक भगवती सागर ने भी आज इस्तीफा दे दिया है। तो एक बड़ी हलचल आज देखने को मिली है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ये भाजपा को एक बड़ा झटका लगा है, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब इस्तीफा देते हुए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय ले लिया है। आपको बता दें कि वही इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान भी सामने आया था, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसानों का और दलितों का शोषण करती है और किसान और दलितों की विरोधी पार्टी जो है वो भाजपा है, इसीलिए मैं पार्टी को छोड़कर जा रहा हूं। वहीं उन्होंने एक बड़ा दावा भी पेश किया है कि आगे आने वाले दिन में 2-3 दिनों में एक बड़ा राजनीतिक उठापटक भी उनके द्वारा देखने को मिल सकता है। वहीं उन्होंने यह दावा भी पेश किया है कि वो जिस भी पार्टी में जाते हैं वहां पर सरकार बनती है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले भाजपा के लिए एक बड़ा झटका, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा दिया जाना और उसके बाद ही भाजपा एमएलए ब्रजेश प्रजापति और विधायक भगवती सागर का इस्तीफा दिया जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति इस वक्त साबित हो रही है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो नितिन, किस प्रकार से देखते हैं आज आप स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा का दामन छोड़ देना? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य से अभी बात हुई है थोड़ी देर पहले, प्राइम टीवी की एक्सक्लूसिव बात उन्होंने करी है और साफ तौर पर उन्होंने इस बात को बताया है कि मैं अपनी कुछ बातें जो था वो बीजेपी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से करना चाहता था जी, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने मुझे समय नहीं दिया है, लंबा समय बीत जाने के बाद भी। उसी से नाराजगी थी उनकी और उसी को देखते हुए आज उन्होंने पार्टी से और अपने पद से जो है वो इस्तीफा दिया है। वही नितिन, जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, अचानक से उनका इस तरह से इस्तीफा दिया जाना और उसके बाद जब उन्होंने बयान जारी किया है वहां पर उन्होंने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं व्यापारियों की बात की है, उन्होंने अपने समाज की बात की, उन्होंने कई लोगों की बात, कई तरह के लोगों की बात की है और साफ तौर पर इस बात को कहा है कि मैं इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार से और बीजेपी से, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है उससे बात करना चाह रहा था लेकिन किसी ने मुझसे बात नहीं की। तो यही वो आरोप थे जिन आरोपों के बाद पार्टी से खुद को अलग किया, लेकिन जो अंदर की खबरें हैं, जो राजनीतिक चर्चाएं हैं, वो यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बेटे के लिए भी टिकट मांग रहे थे अशोक मौर्य के लिए, लेकिन बीजेपी उस पर राजी नहीं थी और इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना जो रास्ता है वो बदल लिया है और कहीं ना कहीं सपा से उनको ये उम्मीद बताई गई है, उम्मीद जताई गई है कि वो जो आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगे तो अशोक मौर्य को, जो उनका बेटा है स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसे भी टिकट दिया जा सकता है। नितिन, किस प्रकार से अब आप देखते हैं इस इस्तीफे को, जहां एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बेटे की खातिर एक तरह से इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ इनकी बेटी जो खुद अभी भी बीजेपी में शामिल है, क्या लगता है वो भी जल्द ही पार्टी छोड़ सकती है? देखिए, अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि वो पार्टी छोड़ेंगी या नहीं छोड़ेंगी, लेकिन फिलहाल इस घर की पूरी जो राजनीति है वो पिता से ही चल रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बीजेपी में गए तो फिर बीजेपी से उनकी बेटी जो है संगमित्रा मौर्य, उन्हें टिकट दिया गया, प्रत्याशी बनाया गया और वो लोकसभा चुनाव जीत करके आई और उसके बाद अब फिर से, क्योंकि इसके पहले अगर हम देखें तो जो बसपा क्यों छोड़ी थी स्वामी प्रसाद मौर्य ने, तो उस वक्त का भी यही कारण था क्योंकि वो चाह रहे थे कि उनकी बेटी को लोकसभा का टिकट दिया जाए, लेकिन मायावती ने उस दौरान मना कर दिया था टिकट देने से और उसी से नाराज होकर के उन्होंने बसपा छोड़ दी थी और वो बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी से उनकी बेटी को टिकट मिला और अब वो जब बीजेपी उनके बेटे को टिकट नहीं दे रही थी तो वो फिर उसी नाराजगी में वो अब बीजेपी छोड़ चुके हैं और वो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। तो ये दल बदलने की जो राजनीति है वो लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अब जुड़ती जा रही है, लगभग हर चुनाव में वो पार्टी छोड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी के साथ जा रहे हैं। हालांकि अभी भी उन्होंने ये कहा है कि आने वाली 14 तारीख को मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, तो वो बड़ा क्या होगा ये भी देखना है जी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद नितिन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी खबर आज सामने आई है जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देने के साथ साथ भाजपा को भी छोड़ दिया है और वहीं अब वो समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। और इसी बीच सीधे आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। है तो कांग्रेस पार्टी का तार है, कहीं भी भ्रष्टाचार है तो कांग्रेस पार्टी का। और ये जो ब्रोकर कमीशन खोरी का कल्चर है, ये कांग्रेस पार्टी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि वो रक्षा सौदों में भी कमीशन खोरी करते थे। भ्रष्टाचार यूपीए कांग्रेस सरकार में कूट कूट के भरा हुआ है। और फर्क यह आया है कि हम सब जानते हैं ये जो संजय भंडारी हैं, जो रॉबर्ट वाड्रा के खासम खास हैं, उनके खिलाफ प्रत्यर्पण की जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही शुरू करी है। और ये खुलासा तब हो रहा है जब इसमें जो फाइनल हियरिंग है एक्सट्रेडिशन प्रोसीडिंग्स में लंदन की कोर्ट में, ये इसी वर्ष फरवरी में होनी है। आज ये सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आती है तो उनकी प्राथमिकता अपनी तिजोरी भरना क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जवान हमारे बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे होते हैं तो ये वीवीआईपी चॉपर खरीद रहे होते हैं? ये भी दुखद है कि एक ये जो 75 करोड़ रुपए घूस दी गई संजय भंडारी को। तो अभी आप बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को सुन रहे थे जहां वो कांग्रेस पर हमलावर होते दिखाई दे रहे थे। तो चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली खबर की तरफ जो संभल से आई है जहां पर सपा विधायक इकबाल मसूद का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बताएं कि विधायक ने कहा है कि अगर कोई इंसान कुछ करके तो ठीक है, लेकिन सीएम योगी कुछ नहीं कर रहे हैं, ना किसानों की आय दोगुनी हुई है ना ही कुछ। अब समय आ गया है कि जनता वोट के जरिए घृणा और भेदभाव की राजनीति करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दे। भाजपा बस बयान देकर हिंदू लोगों को खुश करने में लगी हुई है। साथ ही सीएम योगी के 80 और 20 वाले बयान पर भी विधायक ने कहा कि चुनाव में आप देखेंगे कि हमारी तरफ 60 होंगे और उनकी तरफ 40 रह जाएंगे। उनका बयान बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी पार्टी किसी समुदाय के विरुद्ध कह ही नहीं सकती कुछ भी। व्यक्ति के बारे में तो कहा जा सकता है, मगर किसी जाति किसी बिरादरी के बारे में कोई ऐसी राय नहीं रखता। हिंदू भाई हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं और हम सब में मेल है। इस बयान से माननीय मुख्यमंत्री जी के मुझे ताज्जुब होता कि जब कोई आदमी कुछ करे उसके बाद ये कह सकते हैं कि हमने इतना कुछ कर दिया और हम अगर इनके लिए गर्दन भी काट दें तो हम ये नहीं कर सकते। करा क्या उन्होंने? हमारी गर्दन उन्होंने काट ली। उनका बयान बिल्कुल सरासर गलत है। कोई भी पार्टी संभल से बड़ी खबर सामने आई है जहां सपा विधायक इकबाल महमूद का बड़ा बयान सामने आया है जहां पर विधायक ने योगी सरकार पर हमला बोला है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संभल संवाददाता मुबारक अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मुबारक, जिस तरह से आज विधायक इकबाल महमूद ने कहीं ना कहीं अब योगी सरकार पर आज हमला बोला है, क्या कुछ जानकारी है? आपको बता दूं, जनपद संभल के इकबाल महमूद विधायक हैं समाजवादी
और नेताओं का बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं चुनाव नजदीक से, और इन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। और जो मुसलमानों को कहा उन्होंने, बोले ये मुसलमानों को गर्दन काटने का काम किया है जी। वहीं कहीं ना कहीं योगी सरकार के कार्यों पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि जनता के जरिए घृणा और भेदभाव की राजनीति को भी अब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। क्या कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? आपको बता दूं, जो इकबाल महमूद है और संभल से विधायक है, और इन्होंने बड़े कई बयान सामने आए इनके, और कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ से उन्होंने टिप्पणी काटी है, और मुसलमानों को लेकर कहा है, बोले मुसलमानों के साथ में भेदभाव करा है और गर्दन काटने का काम किया है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारक आपको इस तमाम जानकारी के लिए। तो संभल से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां पर विधायक इकबाल महमूद का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अगली खबर कोरोना से जुड़ी है, जहां पर देश में कोरोना अब अपने पैर पसारता नजर आ रहा है, जिसकी चपेट में अब कई दिग्गज आ चुके हैं। 92 साल की लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं और वो अब आईसीयू में भर्ती हैं। साथ ही मथुरा सांसद हेमा मालिनी की भी तबीयत बिगड़ गई है। गले में दर्द और बोलने में हो रही परेशानी के बाद हेमा मालिनी ने अपनी कोरोना की जांच कराई है। बता दें कि सांसद प्रतिनिधि जनार्दन शर्मा सहित अन्य लोगों की भी कोरोना जांच हुई है। वहीं जांच के बाद हेमा मालिनी मथुरा से दिल्ली पहुंच गई है। साथ ही यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कल शाम को भाजपा चुनाव समिति की बैठक में भी राधा मोहन मौजूद थे। बैठक में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम लोग भी शामिल बताए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना विस्फोट जो है वो इस वक्त दिग्गजों पर दिखाई दे रहा है, जहां एक तरफ लता मंगेशकर कोविड पॉजिटिव पाई गई है, वहीं हेमा मालिनी की तबीयत भी इस वक्त जो है वो बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है। वहीं इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गौरव, कहीं ना कहीं कोरोना का जो खतरा है वो अब दिग्गजों पर भी देखने को मिल रहा है। लता मंगेशकर से लेकर राधा मोहन हो गए, हेमा मालिनी है, सबकी तबीयत खराब बताई जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं बताऊँ, जब से कोरोना की जब पहले लहर की बात करें, जब दूसरी लहर की बात करें, और चाहे अब इस ओमिक्रॉन की बात करें, तो लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर मामलों के बढ़ने की बात करें तो महाराष्ट्र में शुरुआत से ही हम देखे थे दूसरी लहर भी काफी भयावह हुई थी, और इस बार भी महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। अगर हम विशिष्ट लोगों की बात करें, जो कि विशिष्ट लोग हैं, उनकी भी बात करें तो लगातार विशिष्ट लोग इसमें संक्रमित हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी संक्रमित, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और उनकी भी पुष्टि हुई है, वो भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। राधा मोहन सिंह, जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश में, वो भी संक्रमित हो गए हैं। तो इस तरह से लता मंगेशकर का जो नाम आया है कि संक्रमित हो गए, तो बड़ा नाम है, निश्चित रूप से इस पर खोखला है, और एक बड़ा नाम है अगर भारतीय कहा जाए, क्योंकि भारत रत्न से सम्मानित भी है, और साथ साथ बहुत बड़ा नाम है भारतीय संगीत के हिसाब से। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लगातार केस बढ़ रहे हैं, तो निश्चित चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरह से केस बढ़ रहा है, उस हिसाब से अभी हाल में ही बड़े बड़े लोगों के नाम उस तरह आए हैं, तो चिंता की बात है। ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, बड़ी संख्या में अगर बात करें, तो अगर पूरे देश भर में बात करें, तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले कोरोना के लगातार आ रहे हैं जी। गौरव, अगर हम हेमा मालिनी की बात करें, तो सांसद हेमा मालिनी के स्वास्थ्य का क्या कुछ अपडेट है? उनकी कोरोना जांच हुई थी, जिसके बाद वो मथुरा से दिल्ली गई थी, अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से उनकी जांच हुई थी, अभी तक हालों को उन्होंने अभी कोई ट्वीट नहीं किया है कि हम संक्रमित हैं या नहीं है, पर जिस तरह से वो लगातार कार्यक्रम में भाग ले रही थी, माना जा सकता है कि उनके भी संक्रमित होने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि अभी तक उन्होंने कोई औपचारिक रूप से ट्वीट नहीं किया है कि मैं संक्रमित हूँ, पर कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी जांच हुई थी, और जांच की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है कि अभी तक वो पेंडिंग की गई है, जो भी हो, पर एक बार स्पष्ट है कि उनका भी संक्रमित होने की पूरी संभावना है, क्योंकि लगातार वो भी जो भारतीय जनता पार्टी कई कार्यक्रमों में जाए थे, मथुरा से सांसद है, बड़ा नाम है, चाहे अभिनेत्री की बात करें या फिर सांसद की बात करें, तो हेमा मालिनी एक बड़ा नाम है, बड़े कार्यक्रमों में हमेशा जाती रही है, सांसद भी है, तो निश्चित रूप से अभी तक कोई औपचारिक उनका ऐलान नहीं हुआ है, पर हो सकता है कि वो भी निश्चित रूप से कोरोना संक्रमित पाई जा सकती है। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन भी आज कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, ट्वीट कर जानकारी इस पूरे मामले की दी गई है। वहीं दूसरी तरफ कल चुनाव समिति की बैठक में वो शामिल हुए थे, जहां पर कई और चुनावी दिग्गज जो थे वो मौजूद थे, क्या कुछ जानकारी है? क्या अब किन किन लोगों का टेस्ट हो रहा है? कुछ लोग क्या होम क्वारंटीन हुए हैं?
देखिए अभी तक जो जानकारी के मुताबिक अभी आज ही दिल्ली में जो बीजेपी कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने वाले हैं। इसके साथ साथ वहां पर दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे, सुनील बंसल भी रहेंगे, तो बड़ी बैठक यहां पर होगी। और साथ ही साथ ये लोग एहतियात तो बरती रहे, डिस्टेंस बना के चल रहे हैं, और निश्चित रूप से जैसा कि उन्होंने पुष्टि की थी कि मैं कोरोना संक्रमित हो गया हूँ, तो इसकी जांच भी चल रही होगी, हो सकता है उसका भी निर्णय आने वाला हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो भी नेता अभिनेता या जो भी विशिष्ट जो लोग होते हैं देश के, वो अगर वो संक्रमित होते हैं तो वो अपने ट्विटर के माध्यम से या अपने मोबाइल के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वो इस बात साफ कर देते हैं कि मैं संक्रमित हो गया हूँ, और मुझसे मेरे संपर्क में आए हुए सभी लोग अपनी जाँच करा लें और एहतियात बरतें। ये सबसे अच्छा बात है, सकारात्मक वगैरह रही है कि ये बात हमेशा पहली लहर में देखी गई, दूसरी लहर में भी है, और ओमिक्रॉन की तीसरी लहर में भी बात देखी जा रही है कि जो भी विशिष्ट जो लोग हैं वो अगर संक्रमित होते हैं तो वो अपनी जानकारी दे देते हैं, साझा कर देते हैं, और लोगों को एहतियात बरतने की संभावना भी, लोगों को एहतियात बरतने की जो जानकारी है वो भी दे देते हैं और बता देते हैं कि आप लोग संक्रमित होते हैं, और जांच भी करा लें कि अगर कोई संकट पाया जाता है तो अपने आप को होम आइसोलेट कर ले। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच अब कई बड़े लोग जो है उनके नाम सामने आ रहे हैं, जहां पर सुर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर भी कोविड की चपेट में आ चुकी है। वही अगली खबर की तरफ हम रुख करते हैं, जो ओपी राजभर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि ओपी राजभर का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें वो पूर्ण बहुमत से सपा सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ही बनेंगे और सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा का विकेट गिरना शुरू हो गया है। तो जहां एक तरफ आज भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर का एक ये बड़ा ट्वीट देखने को मिला है, जहां पर उन्होंने सपा सरकार बनने का एक बड़ा दावा पेश किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा का विकेट गिरना अब शुरू हो चुका है और इस बार सपा की सरकार आने वाली है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में यह बात की जानकारी दी है कि सामाजिक न्याय का इंकलाब होगा, पिछड़े दलितों अल्पसंख्यकों वंचितों का हक लूटने वालों को का खदेड़ा भी होने वाला है, भाजपा का विकेट गिरना शुरू हो गया है। ओम प्रकाश राजभर का ट्वीट इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने भाजपा सरकार पर तेज हमला बोला है। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।